चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे पहला तो जो मुद्दा है पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, और नगर पालिका के अंदर जो सड़कें आती है उनका मुद्दा है। तो अभी एसडीएम के बाद में हुआ यहाँ पे जो कुछ हुआ, जनता जो है बदलाव चाहती है, और मतलब लोकतंत्र का है हिसाब, इसमें कोई अनुमान और वो नहीं लगा। अच्छा, ये भी कह रहे थे मतलब बीजेपी से मैं चुनाव चिन्ह देने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। नमस्कार साथियों, सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला बागपत के नगर पंचायत छपरौली में हैं। नगर निकाय पहले फेज के नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं, जो जिसकी वोटिंग 4 मई को डली थी। बागपत जिला जो कि दूसरे फेज में है और इसकी वोटिंग जो है 11 मई को डलेगी। अभी हम लोगों से बात करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर कि लोगों का क्या कहना है, इस बार किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। यहाँ पे अभी जो चेयरमैन जो है वो संजीव कुमार जी है, जो फिलहाल में छपरौली नगर पंचायत से जो चेयरमैन है जी। नमस्कार जी, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम सुधीर कुमार खोकर है। अच्छा जी, खोकर जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यहाँ पे? अभी यहाँ चुनाव का कोई स्पष्ट तो हो नहीं रहा है जी, जी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे है, जो कस्बे के मुद्दे है, जो इस मुद्दों पे अच्छा काम करेगा और कस्बे की जनता उसी को वोट करेगी। आपको क्या लगता है कि हमारे इन इन मुद्दों पर जो है इलेक्शन चुनाव होने चाहिए, और ये व्यवस्था जो है नगर पंचायत के जो चेयरमैन है या नगर निगम निकाय के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको करनी चाहिए, क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए? सबसे पहला तो जो मुद्दा है पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, और नगर पालिका के अंदर जो सड़कें आती है उनका मुद्दा है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर वो आवारा पशुओं का मुद्दा है। उनके लिए गौशाला होनी चाहिए, अच्छी गौशाला होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है, जो हर रोज एक नई घटना करते हैं। अच्छा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। अच्छा जितेंद्र भाई, यहाँ से अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी जो फिलहाल में है संजीव कुमार जी। अच्छा, अभी देखा जाए लोकसभा चुनाव भी नज़दीकी है, तो इस चुनाव से उस चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? और यहाँ पे गठबंधन क्या कोई प्रत्याशी उठा हुआ है, नहीं उठा हुआ है? गठबंधन का तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जैसे किसी पार्टी से, बीजेपी वगैरह या कांग्रेस से, सब निर्दलीय ही हैं। हाँ जी, तो उस लोकसभा में फर्क तो पड़ेगा उस चीज़ का जी। अच्छा, देखा जाए जैसे चेयरमैन के अंडर में नहीं आता है, उस तरीके का परव्यू में नहीं आता, लेकिन अस्पताल जो होते हैं क्या उनमें उस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर मिल पा रही है, या फिर बागपत या मेरठ दिल्ली ही जाना होता है? हाँ जी, हाँ, यहाँ तो इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है, बागपत या मेरठ जाना होता है। एमरजेंसी कोई केस होता है तो मेरठ या बागपत। हाँ जी, ऐसी कोई इतना हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे कि भाई यहीं पे ही कंट्रोल हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे नगर पंचायत, नगर पालिका में, हमारे नगर पंचायत में जो है इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? हाँ जी हाँ, इन मुद्दों पर होनी चाहिए कि भाई जगह 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 से पू होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए जी। जी आपका नाम? मेरा नाम है जी आवेज। अच्छा आवेज भाई, क्या लग रहा है? मैं लग दो बर्थडे चल रहा, चुनाव 11 तारीख को वोट डलेगी। हाँ, तो आप किसको पसंद कर रहे हो? आप पसंद तो देखो सभी है, लेकिन विकास के जो विकास कस्बे में करवाओगे, दो ही कैंडिडेट नजर आ रहे, एक तो धर्मेंद्र खोकर, दूसरे विक्रम चेयरमैन। अच्छा, ये दोनों ही निर्दलीय लड़ रहे हैं या अलग अलग पार्टी है? नहीं, सब निर्दलीय है, यहाँ तो पार्टी से कोई नहीं है, सब निर्दलीय है। कैंडिडेट जितने भी है ना, कोई बीजेपी से ना कोई लोकदल से। अच्छा, तो सब निर्दलीय ही लड़ते हैं? हाँ, सब निर्दलीय ही, क्योंकि यहाँ ये लोकदल का गढ़ है, यहाँ वोट कोई टिकट नहीं देता। अच्छा, क्योंकि अगर लोकदल टिकट देगा तो पार्टी बन जाएगी यहाँ, और बीजेपी वाला टिकट को यहाँ पकड़ता नहीं। बीजेपी वाले बहुत घूमे टिकट देते हुए, लेकिन किसी ने टिकट लिया ही नहीं बीजेपी का। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम जाहिद। अच्छा जाहिद भाई, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव तो देखो आर पार की लड़ाई है, घासा चल रहा। अच्छा, हाँ, कोई भी हो कैंडिडेट खरीद सकता है। अच्छा, आपके अगर यहाँ पे देखा जाए सिसोली कस्बे में किस तरह की व्यवस्था? छपरौली कस्बा। हाँ, छपरौली कस्बा, तो किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे होती है? दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे साफ सफाई की बात की जाए, ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, तो उस तरह का कुछ है यहाँ? बिल्कुल होना चाहिए जी, ग्राउंड भी होना चाहिए, सारी चीज की सुविधा होनी चाहिए।
क्योंकि सुविधा से ही आदमी आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे क्या गठबंधन और बीजेपी से कोई प्रत्याशी उस तरीके से मैदान में नहीं आ रहे हैं क्या? कोई भी मैदान में नहीं है बीजेपी से तो है। अच्छा नहीं है, है भाई बीजेपी से तो नहीं, बीजेपी से कोई टिकट नहीं, कोई टिकट नहीं। ठीक है जी। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रईसो है। अच्छा रईसो जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर यहाँ पे? यहाँ अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत ही भाईचारे का बढ़िया माहौल चल रहा है। नहीं भाईचारा होता है लेकिन कुछ पार्टियां भाईचारा खराब भी कर देती है। ना ना कोई चक्कर नहीं है, कोई भाईचारे में बढ़िया चल रहा है। अच्छा आपके कस्बे किस तरह की सुविधाएं आपको चाहिए कि हमारे जो होने वाले जो नगर पंचायत जो अध्यक्ष है जो चेयरमैन है कि इस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी हो? तो अभी SDM के बाद में हुआ है यहाँ पे जो कुछ हुआ, बस्ता लेने के बाद में हुआ है यहाँ पे तो जो काम हुआ हमारे हमारे वार्ड में तो। अच्छा इससे पहले का हमें पता नहीं, जो जहाँ हुआ उसका हमें पता नहीं, जो हमारे वार्ड में हुआ है ये हुआ। अच्छा कस्बे में एक सबसे बड़ी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर की यहाँ पे कमी ना हो, और बिजली पानी की कैसी व्यवस्था यहाँ पे है? पानी की भी सही है व्यवस्था। क्या सरकार मतलब चेयरमैन की तरफ से टंकियाँ लगाई है या खुद का समरसेबल ही लोगों ने यहाँ पे लग? अब समरसेबल भी कराए हैं और खुद के भी समरसेबल लगे हुए हैं। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह कोकर। अच्छा जी कोकर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का ऐसा लग रहा है जी, अब फिलहाल जो है धर्मेंद्र फाइट में है और निगम तीन चेयरमैन उठ रहे बट्टी दनान में है जी, उनमें विक्रम फाइट में है। अच्छा जो ये धर्मेंद्र जी है ये अभी किस पार्टी से है या फिर निर्दलीय ही लड़ रहे हैं? ये पार्टी से वैसे मुझे से भाजपा से ही लग रहे हैं। नहीं निर्दलीय है तो सब, कोई पार्टी नहीं निर्दलीय, सारे निर्दलीय है। चलो जैसे भी निर्दलीय हैं। अच्छा अभी जो फिलहाल के जो चेयरमैन थे संजीव कुमार जी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, और उनके कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल ठीक रहा जी, बहुत बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। तो उनके चुनाव नहीं लड़ने की क्या वजह है? वो तो अपनी मर्जी की बात है जी, या कुछ ना ना, ना, ना ना और कोई नहीं जी, और कोई बात नहीं कसबे की। अंकल जी आपका नाम? सोनवीर सिंह मास्टर है। अच्छा जी मास्टर जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? ये तो लोकतंत्र का है जी, हाँ जी, जिसे चाहेगा उसे बना देगा। छह कैंडिडेट सब प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सब अधिकार है, अधिकार तो है लेकिन जनता जनता का एक मोटिव होता है ना कि इस बार हम बदलाव चाह रहे हैं या पहले चेयरमैन का जो काम था उसको उसका जिसको तो चाहते हैं जी। जनता जो है बदलाव चाहती है और मतलब लोकतंत्र का है साहब, इसमें अच्छा। कोई अनुमान और वो नहीं लगा। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव जो होते हैं आप कोई भी चुनाव देख लीजिए तो किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? क्योंकि भाई सफाई है, बिजली है, सड़क है, ये अच्छा, पानी का भी साफ अच्छा होना चाहिए, पर जो पिछला जो चेयरमैन था सबसे अच्छा रहा, अच्छा। काम आने वाला आदमी था। अगर वो इस बार लड़ते क्या वो जीत जाते? जीत जाते 100%। आपका नाम भैया? अनिल कुमार जी। अच्छा अनिल भाई, चुनाव है अभी, क्या लग रहा है किसको जिता रहे हो इस बार? देखते हैं भाई जी, बाजार के आते हैं, बाजार वालों के साथ रहेंगे, जहाँ बाजार वाले कहेंगे वहाँ हम भी चलेंगे जी। अच्छा हाँ, जिसका रुख जिधर को होगा उधर को करेंगे जी। अच्छा सब बाजार वाले की तरफ है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपकी कस्बे में ये दिक्कतें हैं और ये काम होने चाहिए? बस जी कुछ नहीं जी, बारी गाड़ी सी रहती है बनेगी जी, तो कोई दिक्कत है नहीं जी, और लग रहा जी काम सारा बढ़िया हो रहा जी, बढ़िया हो रहा जी, भी बढ़िया हो रहा। अच्छा आपको क्या चाहिए वैसे जब चेयरमैन अगर जीते कि ये काम होना चाहिए हमारा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? कुछ नहीं जी, बस ये जो पशु घूम रहे इनका हो जाए ठीक ठाक सा, गाँव सड़ा में चले जा सारे, ये जो है ना मंडी वालों को भी परेशान रखे हैं। अच्छा, क्या वहाँ दुकान में भी टक्कर वक्कर मार दे जी, सब्जी खा जा सारी। हाँ सब्जी भी खा जा जी, मुँह मार जा कहीं में। आपका नाम? रामलाल। अच्छा रामलाल जी, आप बताइए। जनता की सेवा की मैंने, जनता की सेवा की, जनता की सेवा करने के बाद में मतलब इसका दूसरा कार्यकाल होगा। अब जब पहले तो इसका अब जब पहले योजना में था सभासद, अब मतलब जनता की सेवा करने की वजह से, जनता की सेवा करने की वजह से दोबारा मतलब सुन लो इसको, मतलब मार्केट से समर्थन मिला इनको। अच्छा अभी जो चेयरमैन है या इनको? नहीं मैं वाइस चेयरमैन रहा 95 में, छबरौली के, छबरौली से। अच्छा 95 से 2000 तक। अच्छा रामलाल मेरा नाम है। अच्छा, रामलाल सोनावा में चल।
अच्छा आप ये बताइए नगर पालिका के अंडर कौन कौन से काम आते हैं थोड़ा सा? नगर पालिका के अंदर में मतलब सब कार्य आते हैं, स्वच्छ सोच योजना और मतलब सब कुछ आते हैं। जनता का विकास करने के लिए विकास कार्य करना पड़ता है। मतलब सड़कों का है, वो है, पेयजल है। सबसे मेन मुद्दा ये है लाइट का और पेयजल का, और एक जो बछड़ों का। हाँ ये बछड़े तो शायद नगर निकाय के अंडर। हाँ ये तो है जी, ये अंडर नहीं में नहीं आते। ये तो बड़ी सरकार वो तो है, लेकिन आप ये बताइए अभी जो संजय कुमार जी जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? संजीव कुमार का कार्यकाल अच्छा रहा, मंडी में तो चल अच्छा रहा कार्यकाल। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गठबंधन से कोई प्रत्याशी नहीं, इसका क्या कारण है? ऐसा है जी, मतलब सुन लो, गठबंधन से मतलब कोई पार्टी से मतलब कोई चुनाव नहीं लेना चाहता, वो चिन्ह नहीं लेना चाहता। मुझे भी कह रहे थे मतलब बीजेपी से मैं चुनाव चिन्ह देने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, छोटा मतलब कस्बा है, ये कस्बा है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कोई वो नहीं ले चुनाव चिन्ह नहीं लेना चाहता। चलिए सही है। अभी हम जिला बागपत के कस्बा छपरौली में थे, यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों की जाय राय के लिए अलग अलग जगह गए और अलग अलग जगह जाकर लोगों से राय ली है, तो सभी ने अलग अलग अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। अरे अब बहुत हो गया भाई।